नमस्कार, कक्कू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाना मेथी की सब्जी। आइए बनाते हैं दाना मेथी। दाना मेथी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दाना मेथी एक रात भिगो दी थी पूरी रात के लिए, और फिर सुबह एक कॉटन कपड़े में इसको बांध दिया था और दो दिन तक ये बंधी रही, जिससे अंकुरित हो गई है पूरी दाना मेथी। ये खाने में काफ़ी फ़ायदा करती है हमें। मैं इसको सूखा ही छौंकूंगी, तो आइए बनाते हैं दाना मेथी। ये मैंने 3 चम्मच तेल डाला है, एक चुटकी हींग, आधी चम्मच जीरा, और ये क्या अदरक का पीस मैंने ग्रेट कर लिया था, तो ग्रेटेड अदरक डाल रही हूँ। गैस की हमें लो फ्लेम ही रखनी है। हल्का सा अदरक जब भुन जाएगा तो हम ये दाना मेथी डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें पकानी नहीं है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, 1/4 हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड कर देंगे, और आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें। दाना मेथी डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी फायदा करती है। आप इसे कई तरह से बना सकते हैं, नींबू वाली दाना मेथी किशमिश के साथ। आज मैंने सूखी बनाई है। अगर आपको और कोई रेसिपी मालूम करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी रेसिपी बताऊंगी आपको। हल्का सा गरम मसाला, ये डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी रहती है। आप इसे कच्ची जैसे अंकुरित हो जाती है, फिर सलाद बना के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप दाना मेथी खाएं, बहुत फ़ायदा करती है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब गैस ऑफ कर देंगे और लास्ट में थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।